हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास गाइस। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग। इंडिया की जो डिफरेंट इंडेक्स जारी किए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या इंडिया के अंदर ही, जैसे कि नीति आयोग है या दूसरी संस्था जिनके द्वारा इंडिया की रैंकिंग जारी की जाती है, वेरियस स्टेट की रैंकिंग जारी की जाती है बहुत सारे इंडेक्स के अंदर। सो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का पार्ट है। सोशल वर्क में भी कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स, ओके, इंडियाज रैंकिंग। सो वी विल कवर दीज करंट अफेयर पार्ट इन अपकमिंग वीडियोस। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग इंडिया की रैंकिंग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एसडीजी इंडेक्स, ओके, इंडिया के अंदर भी डिफरेंट स्टेट का होता है। इसके अलावा ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, ओके, एसडीआई इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखना है और जितने भी रैंकिंग है आपको अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, एक एक करके सभी के सभी इंडेक्स को हम देखेंगे और किसने टॉप किया उस इंडेक्स के अंदर, किस कंट्री का सबसे नीचे या बॉटम में नंबर है, ओके, किस संस्था के द्वारा, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा उस पर्टिकुलर इंडेक्स को जारी किया जाता है, किस रिपोर्ट में जो है इंडेक्स जारी होता है, वो सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो बिफोर बिगिन हेयर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। एंड दिस इज द मोबाइल नंबर, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द ईमेल आईडी socialwork.eportal@gmail.com। यू कैन आल्सो आस्क एनी क्वेश्चन डाउट इन ऑन माय ईमेल आईडी, आल्सो यू कैन जस्ट मेल ऑन दिस ईमेल आईडी। एंड दीज आर द टेलीग्राम चैनल, शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, सो यू कैन जस्ट स्कैन दिस बार कोड एंड यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर सोशल वर्क। ओके, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क की, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या आपके कोई जूनियर्स जो कि जुड़ना चाहते हैं, क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन गाइस, अगर कोई क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है या फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है एग्जाम के लिए, सो दे कैन ज्वाइन दिस कोर्सेस, दिस इज द क्रैश कोर्स। ओके, अभी एग्जाम के लिए है, नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, तो आप यहां से आप रिवीजन प्रॉपर कर पाएंगे पूरा, आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पूरा कॉन्टेंट मिलेगा, पीडीएफ फाइल, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट। ये जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज दी गई है ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आपको अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्रैश कोर्स विच इंक्लूड टेस्ट सीरीज आल्सो यू हैव टू पे ओनली 1,000, या फिर आपके पास थ्योरी ऑलरेडी आपने पढ़ लिया अच्छे से, देन यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको सभी के सभी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग 2-3 हज़ार क्वेश्चन, एंड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मींस हर एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एग्जाम में पैटर्न होता है वैसे पैटर्न यहाँ पर रहेगा, और आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आएंगे। इसके अलावा पीवाईक्यू है यूनिट वाइज, ओके, एंड इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन, ओके, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप जो है इसको डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ये कोर्सेस वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप दिसंबर के लिए तैयारी करने वाले हैं। ओके, दिसंबर एग्जाम के लिए नेक्स्ट मंथ में नया कोर्स लॉन्च होगा, ओके, दिसंबर 2022 के लिए, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, जैसे एग्जाम ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट में आपका दिसंबर के लिए नेट का जो है तैयारी शुरू कर लेंगे। ओके, एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ लास्ट ईयर्स, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट, और इसके अलावा जिससे टारगेट कोर्स है आप वेबसाइट पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं, ओके, तो गूगल प्ले स्टोर पर उनको नहीं मिलेगा, राइट, सो दे कैन ज्वाइन थ्रू दी वेबसाइट, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दीज आर द कोर्सेस, क्या क्या कंटेंट दिया जाएगा ये सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ के ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन, रिफंड नहीं होगा, और जो भी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है आप उसको पढ़ लेना है पॉज करके। इस प्रकार का इंटरफेस है एप्लीकेशन का, जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे पूरा कंटेंट, यहाँ पर वीडियोज इस प्रकार से नोट्स मिल जाएंगे आपको, और ये वेबसाइट का इंटरफेस, जैसे कि आपको मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट का जो इंटरफेस होता है जैसे एग्जाम होता है वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, क्लियर रिस्पांस कर सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, प्रॉपर आपको दिखाई देगा कितने आपने मार्क कर लिए क्वेश्चन, कितने अनआंसर्ड है, कितनों पर आपने छोड़ दिया है, उसको विजिट नहीं किया है, ऑल दीज थिंग्स यू कैन फील, जो कि एग्जाम में पैटर्न जो होता है उसी प्रकार का आपका मॉक टेस्ट में पैटर्न मिल जाएगा। ओके, आई होप आवाज़ आपको क्लियर आ रहा होगा। ओके, इस प्रकार से आवाज़ से ये करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा सर। ओके, हम लोग अभी बात कर लेते हैं रैंकिंग की, एक एक करके देखेंगे इंडिया की क्या रैंक है,
इस इंडेक्स के अंदर। अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो इंडियाज रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग 2018 से लेकर 2022 तक, 2018, 2019, 20, 21, 22, पिछले चार सालों की हम लोग इंडेक्स रैंकिंग देखेंगे। और कुछ जो पुराने हैं, ज़्यादा पुराने उनको नहीं देखेंगे, बाकी स्पेशली 2022 और 2021, बिकॉज बहुत सारी रैंकिंग अभी जो है 2022 की अभी नहीं जारी की गई है, बिकॉज साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वी विल कंसिडर 2021 रैंक, ओके, जहाँ पर अभी रैंक जारी नहीं हुआ है। जैसे कि पैरा यहाँ पर दिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI, ओके, इसको इस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, दैट इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंक अभी जो है प्रेजेंट टाइम में 131 है। एंड इस किस कंट्री के द्वारा इस इंडेक्स को सबसे टॉप किया गया है, दैट इज नॉर्वे। इतना आपको याद कर लेना, अगर एग्जाम में आएगा तो करंट ईयर का आएगा, 131 इज द रैंक ऑफ इंडिया इन SDI इंडेक्स, एंड दिस इंडेक्स बेसिकली रिलीज बाई द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है इसमें ग्लोबल SDG इंडेक्स, इंडिया की इसमें क्या रैंक है, दैट इज 131 आउट ऑफ 163 कंट्री इन 2022। अभी यहाँ पर 2022 में ये जो है SDI इंडेक्स का जो रैंकिंग जारी हो चुका है, सो वी विल कंसीडर 2022 रैंक, दैट इज 121। अगर हम बात करें 2021 की तो वहाँ पर 120 थी और उससे पहले 20 में 117 थी। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से रैंक जो है बढ़ती जा रही है इंडिया की, ओके। टॉप इसमें किस कंट्री ने किया है, दैट इज फिनलैंड, इट क्लियर। नेक्स्ट है इसमें SDG इंडेक्स इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जो है नीति आयोग के द्वारा SDG इंडेक्स को जो है जारी किया जाता है, और इंडिया की डिफरेंट स्टेट की रैंकिंग देखी जाती है। जो पैरामीटर सेट किए गए हैं ग्लोबल SDG इंडेक्स में, उसमें से कुछ पैरामीटर निकाल के इंडिया के अंदर नीति आयोग के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की जाती है, बेसिकली ये देखने के लिए कि जो डिफरेंट स्टेट वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ओके, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर इंडिया का रैंकिंग बनता है SDG इंडेक्स का, राइट। सो अगर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे देन ऑफकोर्स ग्लोबल SDG इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बेहतर होगी, ओके। तो ये इंडिया के अंदर इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, और यहाँ पर केरला ने टॉप किया हुआ, ओके। एंड अगर बात करें यूटी की, तो यूटी में चंडीगढ़ के द्वारा इसको टॉप किया, क्लियर है। नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है जारी किया जाता है वेलिंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इंडिया की रैंकिंग 2021 में है इसमें 101 आउट ऑफ 116, ओके। एंड दीज आर द टॉप कंट्री, 7 नेशंस इंक्लूडिंग चाइना, बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, क्यूबा एंड कुवैत, सी आर द टॉप 10। इसमें कौन कौन सी पैरामीटर डायमेंशन चेक की जाती है हंगर इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पर देखा जाता है, ओके, अंडर एस्टिमेट, इसका मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन, ओके, जिसको कम कैलोरी मिलता है, जो इंटेक, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उसमें कितनी कैलोरी होती है, अगर हम कम कैलोरी खाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको हम बोलते हैं अंडर नरिशमेंट, ओके। तो उसमें इस फैक्टर को लिया जाता है। दूसरा फैक्टर इसमें चाइल्ड स्टंटिंग, ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं, ओके, अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, जैसे कि 5 साल का बच्चा जो होता है उसकी एवरेज हाइट होती है, अगर उससे कम हाइट का बच्चा है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसको प्रॉपर फूड ना मिलता हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, तो बच्चे दुबले पतले होते हैं, हाइट कम होती है, तो उसमें से एक पैरामीटर जो है फॉर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दैट इज द चाइल्ड स्टंटिंग, कि उसकी हाइट जो है बिलो एवरेज हाइट से बहुत कम होता है, एवरेज हाइट से, उस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। तीसरा है चाइल्ड वेस्ट, ओके, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, जैसे कि मान लीजिए बच्चे का जो हाइट है एक पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर हाइट पे लगभग जो एक एवरेज वेट होता है उससे भी अगर कम वेट है तो माना जाता है कि जो है उसको उसका एवरेज वेट जो है कम है, बिकॉज प्रॉपर उसको फूड कैलरी और जो प्रॉपर बच्चों को खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब उस चारों के चारों जो फैक्टर यहाँ पर दिए गए, तीनों के तीनों डायमेंशन, उसके आधार पर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें इंडिया का रैंक 101 है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा रैंक है, 116 कंट्री में 101 काफ़ी बुरी रैंक है। ये जो पैरामीटर है इनको आपको याद कर लेना है, जैसे कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, स्टंटिंग का मतलब होता है कि एवरेज हाइट से कम होना, हाइट होना अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है एवरेज हाइट जो होती है उस बच्चे में उस हाइट में एक एवरेज वेट होता है, ओके, लगभग, लेकिन जनरली कुछ बच्चों का वेट बहुत कम होता है, राइट, 5 साल के जो होते हैं बिलो 5 ईयर्स, उस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर, एंड दीज पैरामीटर बेसिकली इंक्लूड किए जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में।
ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की।